क्या उसमें आज जितना लोग भी दिख रहा है, ठीक है ना, जेपीसी से लेके और गुप्ता तक, ठीक है ना, यही संगठन का ताकत है, ठीक है। जब संगठन का सब लोग ऐसे अगर पहले निकल गया होता तो आज इस तरह का बात नहीं होता। कमजोर तब होता है आदमी जब चाहता है कि हम अकेले सब कुछ, और इसमें इतना आगे तक बढ़ गया सब लोग के रहने के बावजूद, सब लोग सर प्रणाम, मैं कौन बोलिए सब लोग सुनेगा, भाषण देना है सब बोल रहे, हम सब सबसे अलग अलग बात कर सकते हैं यार, मेरे पास इतना टाइम है। जिसको कहीं असंतोष लगे, जिसको कहीं कोई लगे कि हमारे तरफ से कमी हो रहा है, उसे हम सबसे अलग अलग बात कर, हमारे पास क्या है, हम तो बात ही कर सकते हैं और अपनी बात को वहाँ ये रख सकते हैं कि गलत हुआ, हम ये नहीं करेंगे, पैर भी नहीं करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी माफ कर दीजिए, आप फलाना जी, मतलब है कि गलत फंसाया गया, उसका जांच होना चाहिए, यही कहना, यही कहना। और हम लोग का पूरा है नहीं, आला कमान आप ही हैं, तार्जिन आप ही हैं, बिल्कुल हम करेंगे, कोई नहीं है, बस आपसे रिक्वेस्ट करना है, आप ही हैं हम लोग हमसे जितना होगा, पहले व्यक्तिगत एफर्ट लगा, अब संगठन का एफर्ट लगा, बिल्कुल लगना चाहिए, अब संगठन का एफर्ट लगे। और कल माननीय विश्वन गुरु जी का केस वापस हुआ, तो ये सब तो हम लोग जान रहे हैं कि ये केस होता है, तो इसका जांच करा के ये केस भी वापस हो। एक बड़का गांव का किसका का विषय है कि कुछ भी है, आंदोलन का केस है जी, आंदोलन का केस है, सीधा कहना है जो आंदोलन का केस है वो वापस लेना चाहिए, ठीक है। और किस तरह से सर, आप पूरे झारखंड के हक हार के आपके शरण में लोग आया है, कहाँ जाए हम लोग, अब यहाँ से कहीं रास्ता नहीं है, हम लोग अमाय बात होती है, और आप ही बोलना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है, आप उठा लीजिए, रामगढ़ भी देख लीजिए, बंदूक देख लीजिए, बड़का गांव से जो लोग साथी आए हैं, निश्चित रूप से जिस भावना से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं उस भावना का मैं समर्थन करता हूं, और हम जानते हैं कि किस तरह से रघुवर दास के कार्यकाल में इन दोनों लोगों को, भाई जोगेंद्र साहब जी और निर्मला जी को फंसाने का काम किया गया, पूरा राज्य जानता है कि किस तरह से वो लोग आंदोलनरत थे, किस तरह से रात में उन्हें उठाने का प्रयास किया गया जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया था, और कहीं ना कहीं उस समय का जो प्रशासन था वो झूठे दस्तावेज पेश करके कोर्ट में नई नई बातें रख करके उनको 10 वर्ष तक की सजा हुई। लेकिन इसके लिए हम लोग सरकार से भी बात करेंगे, न्यायालय में भी गुहार लगाएंगे, और जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने फंसाने का काम किया है इन लोगों को, उसको दंडित कराना भी हमारा दायित्व है। हम आज इस बात से खुश हैं कि बड़का गांव के तमाम साथी यहां पर आए थे, शायद इतना एकजुट होकर के